हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, मेरे हाथ में देख सकते हैं ये जो Redmi Note 10 Pro Max है, आप इसे प्रो भी बोल सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम MIUI 13 के जो किस तरीके से विजेट अपने फ़ोन के ऊपर इनेबल कर सकते हैं, या फिर MIUI 13 का जो आप किस तरीके से अपने फ़ोन के ऊपर जो ऐप ऑल्ट को इनेबल कर सकते हैं, इसके बारे में जो आज बात करने वाले हैं। फिलहाल देख सकते हैं हमारे फ़ोन के ऊपर जो कुछ इस तरीके का हमें बाय डिफॉल्ट वाला ऐप ऑल्ट देखने को मिल जाता है। तो इसे जो आप लोगों को चेंज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और वो भी गाइस विदाउट रूट में आप लोगों को बताने वाला हूं। काफी लोगों ने इससे पहले भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन यार वो जो है विदाउट रूट नहीं थे, वो जो इसके लिए जो रूट करना पड़ता था अपने फोन के लिए, या फिर कोई भी कस्टम रिक्वायरी करना पड़ता था, या फिर MIUI 13 वाला जो रोम अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता था। बट आज की इस वीडियो के अंदर सिंपली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फिलहाल मेरे फोन के अंदर जो यार दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं सेटिंग के अंदर जाके अबाउट फोन के अंदर, यहां पर जो MIUI 12.5.10.0 वाला जो है Redmi Note 10 Pro Max के अंदर जो वर्जन चल रहा है, अब जो है कौन से डिवाइस में वर्क करता है, आप लोग अपने फोन के ऊपर जो ट्राई करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जो अपने Redmi Note 10 Pro Max के ऊपर जो ट्राई कर रहा हूँ, इसके अंदर जो लेटेस्ट जो अपडेट आया था इसके ऊपर ही मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसके अंदर आप लोगों को थोड़े बहुत जो यार MIUI 13 वाले जो ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, क्योंकि यार इसके अंदर जो आप लोगों को पता होगा कि अपडेट के जो लोगो होता है वो भी MIUI 13 वाला देखने को मिलता था। तो मैं भी जो इसके अंदर फिर उसके वजह से जो वर्क कर रहा होगा, लेकिन यार आप अपने फोन के ऊपर भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलो कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को कुछ फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर MIUI 13 वाला जो सिस्टम लॉन्चर APK है, सबसे पहले तो उसे जो अपने फ़ोन के ऊपर जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जो यार लेटेस्ट वाला से यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर वाला है, तो आप लोगों को इसे अपने फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल कर देना है। देन इसे इंस्टॉल होने के बाद जो आप लोगों को नेक्स्ट एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लेना है, जो कि हमारा ऐप वॉल्ट है। तो ऐप वॉल्ट को भी अपने फ़ोन के ऊपर जो इंस्टॉल कर देना है, यानी कि अपडेट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को वेट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अब जो गाइज मैं जो जाता हूँ होम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर जैसे ही मैं जाता हूँ, तो यार यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हमें जो चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे, ना ही कोई विजेट वगैरह के चेंजेस देखने को मिल रहे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली जो अपने फ़ोन को जो है यहाँ पर एक बार जो रिबूट कर देना है, यानी कि रिस्टार्ट कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने जो अपने फ़ोन को जो रिस्टार्ट पे ऊपर लगा दिया है। तो जैसे रिस्टार्ट होता है हम जो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो यहाँ पर ऑन हो चुका है। जैसे ऑन हो जाता है थोड़ी देर वेट करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे स्वाइप करोगे तो यहाँ पर जो है न्यू ऐप वॉल्ट वाला जो है ऑप्शन आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जो पूरा एग्री करने के लिए आप लोगों को उसका वेलकम पेज जैसे देखने को मिल जाता है, वो जो आप लोगों को यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली जो आप लोगों को एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं जो इसका एक स्क्रीनशॉट निकल के रख देता हूँ, क्योंकि यार थंबनेल में भी यहाँ पर काम आना चाहिए। तो यार इस तरीके के यार आप लोगों को यहाँ पर सभी जो मीट ऑल न्यू विजेट्स वगैरह यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये वैसे गाइज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे जैसे आप लोगों को अपने फ़ोन में जो उसे इंस्टॉल करोगे, यानी कि अपडेट करोगे न्यू वाले ऐप वॉल्ट को और सिस्टम लॉन्चर को, तब जाके ये जो इनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो इसका लुक जो है पूरा चेंज हो जाता है। पहले जो किस तरीके के हमें देखने को मिल जाते थे, और अब जो किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं आप लोग जो यार यहाँ पर देख ही सकते हैं। पूरा यार इसके अंदर जो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है, मतलब यार पूरा न्यू इंटरफेस इसके अंदर जो है ऐड हो चुका है। सिर्फ आप लोगों को दो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के ऊपर जो अपडेट कर लेना है, देन ये जो आपके फ़ोन के ऊपर इनेबल हो जाएगा। और ये रहा गाइस पुराना वाला, जो कि साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसमें जो थोड़ा सा यहाँ पर गैप साइड में देखने को मिल जाता है नए वाले के अंदर, पुराने वाले में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता था। ये जो है पुराना वाला मेरे Mi 11X के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। तो यार ये जो है न्यू वाला आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहे तो यार इसकी जो है डाउनलोड लिंक जो है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोडेड हो जाएंगे। तो आप जो वहाँ से डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी यार ज्वाइन जरूर से करिएगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने से पहले मैं वही सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट के लिए कुछ भी अपडेट आता है तो वो जो न्यूज़ वगैरह कुछ भी होती है तो मैं जो है वीडियो बनाने से पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पर मैं सभी जो शेयर करता रहता हूँ। बाकी यार अब जो है विजेट की बात करें, तो यार विजेट के अंदर जैसे हम चले जाते तो यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को चेंजेस देखने को नहीं मिलते, एज इट इज़ वैसा ही सब कुछ जो देखने को मिल जाता है। बट हाँ गाइज, यहाँ पर आप लोगों को विजेट वगैरह का सपोर्ट चाहिए होगा तो यार आप जो उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो चलो वो भी देखा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे ऐड करना है।
तो गाइज उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो यार नीचे जैसे आओगे यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को कोई भी विजेट के ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता होगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ हमने जो दो ही एप्लीकेशन को अपडेट किया है उसके वजह से जो ये इनेबल हो चुका है। लेकिन गाइज MIUI 13 के साथ हमें जो सभी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट देखने को मिलने वाले हैं, मतलब अपडेट करने के बाद डिवाइस ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट वगैरह शो हो जाएंगे और अपडेट भी हो जाएंगे, तो उसके वजह से जो पर भी आप लोगों को उसके जो विजेट वगैरह का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो यार मैं जो यहां पर लेटेस्ट वाला एक जो अपडेट कर लेता हूं जो कि हमारा नोट्स के लिए है, तो उसे जो नोट्स को अपडेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वहां पर ऐड हो जाता है या फिर नहीं। आप जो कोई भी यार एप्लीकेशन जो भी लेटेस्ट वर्जन पे हो MIUI 13 पे जो है जो भी एप्लीकेशन है उसे जो आप अपने फोन में अपडेट करोगे या फिर इंस्टॉल करोगे तो वो जो वहां पर विजेट उसका बन जाएगा। तो चलो देख लेते हैं, यहां पर हमने जो इसे भी इंस्टॉल कर दिया है। अब जो हम जाते हैं सीधा यहां पर विजेट ऐप वॉल्ट के अंदर और यहां पर प्लस के ऊपर क्लिक कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐप विद मल्टीपल विजेट के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर जो हमने जो ऐड कर दिया है नोट्स वाला, तो यार आप जो इसे ऐड ऐप वॉल्ट के ऊपर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका भी विजेट बन चुका है। तो दैट्स इट गाइज, बस इस तरीके से यार अपने फ़ोन के ऊपर MIUI 13 बेस जो आप जो है उसका जो है पूरा जो है विजेट वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे जो यार यहाँ पर काम कर रहा है। और MIUI 13 का जो है आप MIUI 12.5 के ऊपर भी ऐप वॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो यार आप लोगों को पता होगा कि यार इंडिया के अंदर कब चेंजेस होगा ये जो कोई भी आइडिया नहीं है। चाइना के अंदर आप लोगों को काफ़ी नए नए ऐप वॉल्ट के फीचर देखने को मिल जाते हैं, उसका UI देखने को मिल जाता है। इवन गाइस पूरा जो आप लोगों को विजेट का सेक्शन है पूरा अपडेटेड देखने को मिल जाता है, उसका लुक जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है चाइना के अंदर। बट यार इंडिया और ग्लोबल के अंदर क्या हो जाता है Xiaomi को अपडेट देते टाइम पता नहीं। तो खैर क्या कर सकते हैं, हम जो इस तरीके से अपने फ़ोन के ऊपर इसे चेंजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं थोड़े मोड़े, तो यार इस तरीके से आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो कौन से डिवाइस में काम कर रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि यार बाकी के लोगों को भी यार समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारे डिवाइस के ऊपर काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर टिल देन एंड बाय बाय।